आज मैं आपको बकरी पालन के बारे में बताऊंगा कि इस वीडियो में कैसे बकरी पालन की जाती है, कैसे क्या उनका चारा होता है, क्या चीज़ें वो खाती हैं और किस तरह से मुनाफा देती हैं। इसको एटीएम की संख्या भी दे सकते हैं, क्योंकि एटीएम की तरह ही है ये, कि इसमें एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मीट, एनी टाइम मनी। जी हाँ, ये सारी चीज़ें बकरी पालन में होती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताऊंगा कि किस तरह से बकरी पालन करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं और कितनी जल्दी इनकी संख्या डबल होती है, कितना मुनाफा मिलता है। और ये देखिए, ये जो बकरियां थी इनकी शुरुआत सिर्फ 2 बकरियों से हुई थी और आज ये कम से कम 15 से 20 नग बन चुके हैं। इनकी सार संभाल भी काफ़ी आसान, इनको रखना भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, कम जगह पे ही आराम से रह सकती हैं। कुछ खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं खाती और गरीब की गाय और भैंस भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा बताऊंगा इस बकरी पालन के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से करना चाहिए जैसे अच्छा उत्पादन हो सके। पीछे की तरफ आपको दिखा रहा हूँ उन बकरियों का घर जिसमें ये रहती हैं। ये हमारी भतीजी जो बकरियों का ध्यान भी रखती है, कभी कभी स्कूल भी जाती है। ये उनका चारा, और देखिए किस तरह से बकरियां यहाँ पे आराम से रह रही है। और सारी चीज़ विस्तार से बताऊंगा कि कैसे बकरी पालन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खाती है, क्या नहीं खाती है, और कितना उत्पादन, कितना फ़ायदा इन बकरियों से मिलता है। बकरियां चारे में सिर्फ हरा चारा, बहुत ही ज़्यादा कोई वो नहीं है, और बहुत ही 6 महीने में ही अपनी आमदनी डबल कर देती हैं। और बच्चे जो अलग जगह हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन में और काफ़ी अच्छी नस्ल की बकरियां हों तो इनका ऊन, जी हाँ, बकरियों की ऊन भी काम आती है, बकरियों की खाल, बकरियों का मांस या मीट, वो भी बकरों का खाने में काम में आता है, जो ईद पर काफ़ी महंगे भाव में बिकते हैं। इसके अलावा भी इनका उपयोग कई जातियाँ रेगुलर खाने में भी करती हैं, तो इनको व्यापार या मार्केटिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए आप ये बकरी पर, हाँ, इस वीडियो में ये चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें ब्रीडिंग और नस्ल से भी आप बकरी उत्पादन में काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप मीट का ही व्यापार करें, बाकी जो लोग मीट खाते हैं तो ये उत्पादन के रूप में एक बड़ी अच्छी इकाई। एनी टाइम मीट, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम, जी हाँ, इसकी जो मींगने हैं वो भी सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे और हैं इनके। अब अपन बकरियों के औषधीय गुण के बारे में बात करेंगे। बकरियाँ, जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बकरियाँ काफ़ी सहायक होती है, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी, और इसके साथ में डेंगू, चिकनगुनिया में जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो भी बकरी का दूध काफ़ी उपयोगी और प्लेटलेट बढ़ाने में काफ़ी सहायक। इसके साथ भी कोरोना में भी इनके दूध का काफ़ी इस्तेमाल किया। साथ में जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती उनके लिए बकरी का दूध ही सर्वोत्तम रहता है। इसके साथ में बकरियों की ऊन, बकरियों की मींगनी भी काफ़ी महंगी बिकती है, और इनका उत्पादन, जी हाँ, ये साल में 2 बार बच्चे देती हैं, तो काफ़ी अच्छी पैदावार इनसे उपलब्ध हो सकती है और बिजनेस के रूप में काफ़ी अच्छा व्यवसाय बन सकता है। तो किसानों के लिए मित्र के रूप में ये काफ़ी फ़ायदेमंद। इसके अलावा बकरी से ऊन, और देखिए बकरी का दूध काफ़ी अच्छा, तो सभी आप लोग इसके लिए जो भी करना चाहते हैं तो वो बकरी उत्पादन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग, दोस्तों, जैसा कि बताया कि मैंने आपको आज बताया था बकरी पालन के बारे में, जी हाँ, जिनकी बकरी है उनसे हम चर्चा करेंगे। हाँ, राम राम मुकार भाई। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी, मैं पूछ रहा था, आपने बकरियों पालन का ये काम कर रहे हो, इसमें फ़ायदा है? फ़ायदा है, किस तरह का फ़ायदा है इसमें? फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। अच्छा, तो आपने जो शुरू में जो काम किया था कितनी बकरियों के साथ किया था? पहली बकरी लिया मैंने एक लिया, फिर लिया तीन लेने बाद में फिर उसका ये बच्चा धीरे 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 बढ़ता 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 जा रहा है। अच्छा, मतलब ये 3 ही बकरियों कितने जो अभी हैं? हाँ। तो
तो अभी आपके पास टोटल कितने हैं? टोटल में 18 नग है। 18 नग है। इसमें आपने बेचे भी होंगे? 4 बेच दिए। 4 बेच दिए। तो कितने टाइम पुरानी बात है, कब आप बकरियां लाए थे? बकरी लाए 2 साल हो गया। 2 साल में आपके 3 बकरियों से 18 नग हो गए। हाँ। तो मतलब इसको देखा जाए तो 4-5 गुना बढ़ चुके हैं। हाँ। तो ये खाने में क्या खाती हैं? खाने में ये खुले देते हैं, घास फूस, सूखा चारा, हरा चारा। अच्छा, इसके अलावा जो आप बेचते हो तो आपको कहीं लेके जाना पड़ता है, फिर घर पे आ जाते हैं खरीदने वाले? अठे आ जाता है लेने के लिए, यहीं पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि फसल भी अगर अपन खेत में बोते हैं तो उसको भी अपन को मंडी लेके जाना पड़ता है, इसको लेने वाले यहीं आ जाते हैं। तो आपने जब से बकरी खरीदी है तो तब से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ, मतलब पैसों के मामले में? पैसों में पहले 4 नग बेचे, बाद में उसको बेचे नहीं मैंने। अच्छा, तो मगर अब भी जब आप बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं? हाँ। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बकरी का कितना फ़ायदा है, और स्टार्टिंग में 3 बकरियों से आज इनके पास 18 हो चुके, 4 बेच चुके हैं, तो अब देखिए 22 बकरियां इन्होंने अब तक प्रोडक्शन किया है, और अभी भी काफ़ी बकरियां, और अभी ये छोटे छोटे बच्चे नहीं बकरियों के? हाँ, ये है, इसने अभी 2-3 महीने पहले ही बच्चे दिए थे ये दो, और ये देखिए कितने बड़े हो चुके हैं। ये सारे फायदे और ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको। यहाँ साल में कितनी बार भी आती हैं? 2 बार। 2 बार भी आती हैं। कितने बच्चे लाती हैं? कोई 1 लाती है, कोई 2 लाती है। तो और बकरी दूध भी देती हैं? हाँ। कितना दूध देती होंगी रोज का एक बकरी? दूध का 1 टाइम का 1 किलो दूध। 1 टाइम का 1 किलो, मतलब 2 किलो दूध हो गया। हाँ। तो उसके साथ में बताइए कि जो चारा खाती हैं, या फिर आप जब घुमाने लेके जाते हो तो कि बाहर जड़ी बूटियाँ वगैरह भी खाती होंगी? हाँ, वो तो घास फूस या छत्ती चीज का भोजन है इसका। तो आपके पास यहाँ लोग बाग आते होंगे कि प्लेट के, जब प्लेटलेट वगैरह कम पड़ती है तो दूध लेने? हाँ। तो आप उनको बेचते हो? मैं यही देते हूँ। ऐसे ही देते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो चलिए, आज मैंने आपको मिलाया बकरी पालन करने वाले ओंकार भाई से, उन्होंने बताया कि बकरियों के फायदे, लाभ, और किस तरह से वो पालन कर रहे हैं और आगे भी इसको रखना चाहते हो। हाँ। आपको ये बकरी पालन की प्रेरणा कहाँ से मिली, किसने बताया कि बकरी पालनी चाहिए? जी, पापा श्री लक्ष्मण सांकला जी ने बताया, और उससे प्रेरित होकर इन्होंने बकरियां, तो आज ये 18 बकरियों के ये धनी हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है इन्हें। तो चलिए, आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।